हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो हम जब भी ख्याल रखने की बात करते हैं, अपने बॉडी की ख्याल रखने की बात करते हैं, तो ज़्यादातर हमारा ख्याल जमीन पर चला जाता है, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो हम ब्रेन और हार्ट्स को ही थैंक यू बोल के रह जाते हैं। बट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कई ऐसे ऑर्गन्स हैं, हालांकि हर ऑर्गन्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके बगैर हम अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, पर फिर भी मोटे तौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या गट क्या करता है, ये जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की बुक समरी इसी बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी को। तो आज की बुक समरी है द इनसाइड ऑफ गट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मोस्ट अंडरस्टेड, और बाय जूलिया एंड्रॉड एक जर्मन ऑथर है जो कि एस्ट्रोएंजियोलॉजी पर पीएचडी कर रही है। उनकी पहली बुक गट द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडी मोस्ट अंडर एस्टिमेट, ये बुक 2 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस बुक को बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, और जूलिया ने ये बुक गट को बहुत सारे इंटरव्यू में बात किया है। तो यही बुक की हम बात करते हैं। तो हमारा गट द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडी एंड मोस्ट अंडर एस्टिमेट पार्ट, इसको हम बात करें तो फिर इस बुक में बताया गया है कि क्या ये सिर्फ खाना पचाता है, या फिर बताता है कि कब टॉयलेट जाना है, या फिर इसका कोई और इम्पोर्टेंट रोल है। शुरू में ये हमारा ध्यान नहीं खींचता, बट आखिर में पता चलेगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक कितना दिलचस्प है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे ब्रेन और हार्ट जैसे बहुत पावरफुल है। तो चलिए इस पावरफुल ऑर्गन को समझने के लिए इस बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी किसी चीज़ पर फैसला सिर्फ अपने इसलिए फैसला लिया है कि क्यों आपके गट को महसूस हुआ कि आपका फैसला सही है? जब आप देखते हैं कि जिस शख्स को आप पसंद करते हैं वो आपको देख करके मुस्कुरा रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? शायद पेट में तितलियों के उड़ने जैसा। चलिए बात करते हैं उस दोस्त के बारे में जिसने आपके पीठ में छुरा घोंपा। क्या उस एक्सपीरियंस की याद आपका मन खराब कर देती है? इन सारे सवाल में एक बात कॉमन है कि ये सब आपकी गट यानी कि पेट से जुड़ी है। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या डाइजेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, आपका गट जिसका एक ही काम है हमारे बॉडी से टॉक्सिन को मल के द्वारा बाहर निकालना। टॉयलेट जाते समय को छोड़ करके हम कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम इस बुक से सीखेंगे कि कैसे हमारी गट की प्रशंसा ठीक वैसे ही करनी चाहिए जिसे हम ब्रेन के करते हैं। हम मल के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को भी जानेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारा गट हमको ब्रेन में कितने कमाल के काम करवाता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे गट में कितनी पावर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पौष्टिकरण किस तरीके से होता है, और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्यों है? तो हमारा बॉडी को हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा बॉडी ऑर्गन दिन रात हर सेकेंड चलता ही रहता है। इसमें कुछ ना कुछ बहता रहता है, पंप करता रहता है, या फिर ठीक होता रहता है। ये सब हमारे बॉडी के अंदर होता है, पर हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। ये बहुत ही मज़ेदार और हैरान करने वाली बात है ना। हार्ट और ब्रेन बहुत काम करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग इन्हीं की तारीफ करते हैं। सारी पढ़ाई, आर्ट या कविता इनके ही बारे में होती है, लेकिन इनकी ही तरह एक बहुत ही जरूरी ऑर्गन बैकग्राउंड में छिपा होता है। हमें लगता है कि गट का काम सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए होता है, दरअसल ये उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि आपका गट आपको जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं करता। लेकिन ये सब जानने से पहले चलिए हमारे दिमाग में जो सवाल है उसका जवाब देते हैं कि मल कैसे आता है। चलिए बम की तरफ फोकस करते हैं। बम के आखिर में एनस होता है। इस एनस में 2 स्पिंटर मसल होते हैं। ये गोल घूमे हुए मसल्स हैं जो तय करते हैं कि हमको मल करना है या नहीं। बाहर वाले स्प्रिंटर मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे अपनी मर्जी से खोल और बंद कर सकते हैं, लेकिन अंदर के स्प्रिंटर मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाहर का स्प्रिंटर हमारे कॉन्शियस यानी चेतना को सुनता है। इसका मतलब यह है कि हम सुनता है कि कब हमारा ब्रेन कह रहा है कि अभी टॉयलेट जाने का नहीं हुआ है। बाहर का स्प्रिंटर मसल ऐसे मसल्स को समझता है और खुद को बंद रखने के लिए पूरा जोर लगा देता है, लेकिन अंदर के स्प्रिंटर मसल को अंदर की दुनिया यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ होता है उससे मतलब रहता है। उसका मिशन होता है कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। मान लीजिए अंदर के स्ट्रक्चर मसल्स को महसूस हुआ कि हमारे अंदर गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर ये हमें कभी भी गैस छुड़वा सकता है। अच्छी बात यह है कि बाहर का स्प्रिंटर मसल ऐसा करने से इसे रोकता है। दोनों स्प्रिंटर को तभी तसल्ली मिलता है जब ये दोनों मिल करके काम करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो बच जाता है वो अंदर के स्प्रिंटर में पहुंचता है। खाना पहुंचते ही वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खुलता है और बचे हुए खाने में से थोड़ा सा निकाल देता है।
लेकिन ये खाना बाहर के स्पिंडल तक सीधा नहीं पहुंचता। रास्ते में बहुत सारे टेस्टर्स होते हैं जिनसे होकर के इस बचे हुए रास्ते को खाने को गुजरना पड़ता है। मान लीजिए ये टेस्टर्स वो छोटे छोटे लोग हैं जो खाने को टेस्ट करते हैं। ये खाने को ऐसे मुआने करते हैं जैसे कि फौजी कोई चेक पॉइंट के लिए करता है। यही टेस्टर तय करते हैं कि ये बचा खाना सॉलिड है या फिर गैस बन चुका है। ये पता करने के बाद टेस्टर्स हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। फिर हमारा ब्रेन फैसला लेता है कि अभी हमको जाना है या फिर कुछ देर रुकना है टॉयलेट के लिए। हमारा ब्रेन बाहर के स्प्रिंटर को मैसेज भेजता है इस मामले में, और ये स्प्रिंटर मसल खुद को इस मैसेज के अनुसार बंद करता है या फिर खोल देता है। अगर हम एक कमरे में काफ़ी लोगों के साथ बैठे हैं तो हमारा ब्रेन तय करेगा कि इस समय नहीं छोड़ सकते गैस या फिर पोटी करने नहीं जा सकते हैं। इसी फैसले को बाहर वाला स्प्रिंटर भी मानेगा। तो अगली बार जब हमको ऐसा ही कुछ महसूस हो तो हम इस अंदर और बाहर के स्प्रिंटर मसल के बारे में ज़रूर सोचें। इन्हीं की वजह से हमको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के सामने या फिर लिफ्ट में ऑफिस लोगों के सामने में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और इसी के साथ समझते हैं कि हमारे ऑर्गन्स खाने को कैसे ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए, हमने टेबल पर एक केक का मजेदार टुकड़ा देखा। हमारी आंखें ब्रेन को ये मैसेज भेजती है। हमारा ब्रेन फिर उस मैसेज को उन ऑर्गन्स को भेजता है जो इन प्रोसेस के इंचार्ज हैं। हमारे मुंह में पानी आने लगता और फिर इसके बाद में हमें जो हम इस केक के टुकड़े को अपने मुंह के सामने में लाते तो हमारा नाक उसे सूंघता है। नाक को पता चल जाता है कि इस केक में वनीला रम और चॉकलेट भरा हुआ है। ये हमारे नाक के अंदर जो ओल्ड फैक्ट्री नर्व्स होते हैं वो इसका पता करते हैं। यही नर्व्स हमें सूंघने में भी मदद करते हैं। हमें केक उठा करके जब पास लेता है जिस नाक के पास आता है उसकी खुशबू तेज़ हो जाती है। हम अपना मुँह खोलते हैं और सोचते हैं कि हमने इतना अच्छा केक कभी नहीं खाया। हमारे मुँह में भी बहुत पावर होते हैं। हमारे मसूड़े के मसल हमारे पूरे बॉडी के सबसे मजबूत मसल है, और हमारी जीभ हमारे बॉडी का सबसे फ्लेक्सिबल यानी लचीला मसल होता है। सबसे कठोर चीज़ हमारी बॉडी जो पैदा करते है वो है दांतों का एनामिला। जैसे ही हम केक को निगलने की तैयारी करते हैं हमारी जीभ ये देखती है तो कहीं केक का कोई टुकड़ा हमारे दांतों में फंसा है कि नहीं। इसके बाद एक केक को लेने पहुंचता है। हमारे थूक के कारण अब ये केक बिल्कुल नरम हो गया। जीभ इस खाने को अपने मुँह की छत पर ले जाके मसल देती है। मुँह के इस भाग को फेनिक्स कहते हैं। ये नरम केक अब फेनिस्टिक पहुंचता है। जब भी हमारा खाना फेनिस्टिक पहुंचता है हमको पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पहुंचते ही हमारे कान में किसी चीज़ के फटने जैसी आवाज़ आ जाती है। अब हमारा खाना इसोफेलेस में पहुंचता है। इसोफेलेस में पहुंचते ही वहाँ इसोफेलेस चौड़ा हो जाता है। ये हमारे खाने को लेकर के पीछे से बंद हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए करता है कि खाने का कोई भी टुकड़ा वापस ना आ जाए। यहाँ आपको एक ज़रूरी बात पैदा होनी चाहिए। इसोफेगस जब खाने को निगलता है तो कुछ सेकंड के लिए हमारी सांसें बंद हो जाती है ताकि कोई भी खाने का टुकड़ा हमारी लंग्स में ना जा करके पेट में चला जाए। हमारा पेट अब इस नरम खाने को लेने की तैयारी कर रहा होता है। पेट रिलैक्स हो जाता है और खाने को बढ़ने के लिए फैल जाता है। खाना अब इसोफेगस से निकल करके पेट की दीवार में गिरता है। दीवार से टकराकर फिर इसके पेट के फर्श में पहुंच जाता है। एक केक को टुकड़े में बहुत छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए हमारे पेट को लगभग 2 घंटे लगते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद में ये पेट के अंत में जो छेद होता है उसमें चले जाता है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के दरवाजे पर एक दरवान होता है। कार्बोहाइड्रेट से भरे खाने जैसे कि केक, चावल या पास्ता इस दरवाजे के सामने से आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से खाने आसानी से हजम हो जाते हैं, यानी कि बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये खाना हमारे खून में शुगर पहुंचाते हैं। मीट और दूसरे खाने जिसमें प्रोटीन भरा होता है उन्हें और ब्रेड को हजम होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। मीट के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए हमारे पेट को लगभग 6 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर पाएगा। जैसे ये खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन अपने काम में पहुंच जाता है। ये खाने के टुकड़े को अपने अंदर दबाता है और इसे इधर से उधर हिलाते रहता है। सब कुछ हिलता है और जब केक को तसल्ली से मिक्स करता है फिर वो अपने आगे पहुंचाता है। पर उस केक का कुछ ही बचा कुचा हिस्सा यहाँ पहुंच पाता है। तो बाकी के टुकड़ा कहाँ गए? वो सब आपके खून में चले गए, क्योंकि आपके खाने का सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे खून में चला जाता है। हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन में बस थोड़े ही टुकड़े जा पाते हैं। इन टुकड़ों में वैसे चीज़ें शामिल होते हैं जैसे कि मकई का दाना और च्यूइंग गम या जिसे हमने गलती से निगल गया हो। हमको अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानना चाहिए कि ये हमें साफ रखने के लिए ही होता है। अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने को हजम करने के 2 घंटे बाद देखेंगे तो हम पूरी जगह को साफ सुथरा पाएंगे, वहाँ कोई बदबू ही नहीं होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन खाना हजम करने के 1 घंटे बाद खुद को साफ कर लेता है। आप बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही अपनी देखभाल कर सकता है, लेकिन बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन ये बिल्कुल भी अपने जैसे नहीं। इससे जब खाना गुजरता तो अपनी सफाई नहीं कर सकता। लार्ज इंटेस्टाइन उस खाने को दिखता है जो अभी तक हजम नहीं हो पाया। आपने जो केक खाया वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। वहाँ पे बस फलों का रेसा रहता है जो उस केक में डाला गया था, या फिर वो चीज़ें जो केक में थी अभी तक हजम नहीं हो पाई। यहाँ हजम करने वाला जूस भी
उसमें मिला होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही सुस्त होता है। ये एक माले में पिरोए हुए दाने जैसा होता है। जब इसमें खाना जाता है ये खाने को संभालने के लिए फूल जाता है। ये इसी पोजीशन में काफ़ी देर तक रह सकता है, खासकर तब तक जब पीछे से कोई खाना को धक्का न लगा ले। जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनका लार्ज इंटेस्टाइन जल्दी ही भर जाता है। ऐसे लोगों को शायद दिन में 2 से भी ज़्यादा बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर हजम करने की इस प्रोसेस को 24 घंटे लग जाते हैं लगभग। अगर हमारा बॉडी खाने को जल्दी हजम कर पाती है तो शायद हमको आठ घंटे में टॉयलेट जाने की जरूरत पड़े। और अगर हमको अगर धीरे से हजम करने वाले शख्स हैं हम तो इसमें 3 या 4 दिन लग जाते हैं। अब इसी के साथ हम होते हैं ब्रेन या गट का रिलेशन। हमारे आइडिया या एहसास या भावनाएं सब हमारे ब्रेन से आती है। हम ब्रेन को बहुत ज़रूरी मानते हैं, पर सिर्फ ब्रेन ही नहीं जिसका हमारी बॉडी पर राज चलता है, हमारा गट जिसका काम है हमें मल करवाना वो भी बहुत पावरफुल है। गट में बहुत सारे अनगिनत नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स हमारे सारे बॉडी से बिल्कुल अलग होते हैं। हमारा नर्व्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, जबकि इसका काम तो मल निकालना या फिर डकार कराना क्यों है? तो गट इतना पावरफुल है क्योंकि अक्सर हम लोग इसे गट मेमोरी ट्रेन बुलाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट भी इस काम पे जुटे हैं कि गट का कोई पावर है भी या नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है, काफ़ी बार हम अपने बातचीत में गट को अलग अलग नाम से बोलते हैं। जब आप किसी बुरे पल को बात करते हैं तो याद करते हैं तो हमारा मन खराब कर देता है। जिससे हम पसंद करते वो शख्स हमें देख करके मुस्कुराए तो हमारे पेट में तितलियाँ उड़ने लगती है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे ब्रेन में जो कुछ भी चलता है हमारे गेट का भी हुक्म चलता है। हमेशा साइंटिस्ट इस थ्योरी को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं कि हमारा इसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। यहाँ तक कि एक टूथब्रश यूज करके कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट में गुदगुदी करके ब्रेन की हलचल को बढ़ाया। ये सुनने में एक स्टडी लगती है, पर इसे रिसर्च करने वालों को ये जानने में मदद मिली कि उस जगह को स्टिमुलेट किया जाए तो हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में असर होता है। उन्हें ये पता कि प्राइवेट पार्ट का सिग्नल हमारे ब्रेन के उस हिस्से में पहुँचता है ब्रेन के बीच में। MRI स्कैन में ठीक इसी जगह लाइट जलती है तो यहाँ डर लगने पर ब्रेन के ठीक बीच में सिग्नल पहुँचती है। हमारा गट हमारे ब्रेन को सिग्नल कैसे भेजता है? गट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि काफ़ी जगह सिग्नल भेजती है। ये इंसुला को भी सिग्नल भेजती है। इंसुला वो जगह होती है जिसकी जिम्मेदारी है सेल्फ अवेयरनेस, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सही गलत की भावना से जुड़ा होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा गट काफ़ी और जगह से सिग्नल भेजता है, जैसे कि हिपोकैम्पस को याददाश्त के लिए, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को मोटिवेशन के लिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे ये बात साबित हुई कि आपके गट और इंटीरियर सिंगुलेट मोशन के बीच एक गहरा रिश्ता है। रिसर्च करने वाले लोगों ने चूहों पर एक स्विमिंग टेस्ट लिया। उन्होंने पानी से भरे एक डब्बे पर डाल दिया चूहों को, और वो डब्बा इतना गहरा था कि चूहे नीचे तक नहीं पहुँच सकते थे। चूहों को लगातार हाथ पाँव मारना था जबकि वहाँ से निकलने कोई रास्ता नहीं था। वे चूहे जिन्होंने हार मानने और निराश होने की टेंडेंसी थी वो ज़्यादा देर नहीं बच पाए। वे बस थोड़ी देर के लिए तैरते रहे और फिर कोशिश करना बेकार मान करके छोड़ दिए। उन्होंने बस हार मान ली और डूबने का इंतजार किया। साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि कुछ चीज़ें चूहे हार मानने वाले थे? स्ट्रेस में उनका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही था। आधे चूहों को लैक्टोबैसिलस रामनोसस बैक्टीरिया कहा दिया गया, जो गट के लिए फायदा होता है। जिन चूहों ने इस बैक्टीरिया को खाया था वो ज़्यादा देर तक तैरने लगे, उनमें हार्मोन पाया गया। वे बैक्टीरिया खाए गए चूहों की याददाश्त और सीखने की काबिलियत भी दूसरे चूहों से बेहतर थी। साइंटिस्ट यही नहीं रुके, उन्होंने बैक्टीरिया खाए हुए चूहों को वेगस नर्व काटे। रिजल्ट से पता चला कि कटे हुए वेगस नर्व के बाद वो लोग खास नहीं रह गए थे, बल्कि ये चूहे भी दूसरे चूहों के बराबर हो गए थे। उन्होंने उस डिप्रेशन वाले चूहों की जैसे ही जल्दी हार मान ली। तो ये वेगस नर्व है क्या? ये गट से ब्रेन तक का सीधा और तेज रास्ता है। गट से होकर के डायाफ्राम, इसोफेगस और गर्दन और आखिर में ब्रेन तक पहुंचता है। इसीलिए हमारे ब्रेन को दूसरे ऑर्गन की हेल्प की जरूरत पड़ती है ये तसल्ली करने में कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ब्रेन अकेले ही ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऊंचे महल में रहने वाली राजकुमारी की तरह ब्रेन एक भारी भरकम सिक्योरिटी होती है। उसके पास एक मजबूत खोपड़ी जिसके अंदर एक मोटी लिक्विड भरी होती है जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा ब्रेन गट सबके बीच होता है। पता होता है कि हमने क्या खाया और हमारे खून में क्या जा रहा है। अगर कुछ मिसिंग है तब ये ब्रेन को बता देती है। जब हम छोटे से बच्चे थे हमारे ब्रेन और गट को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता था। आप ये कह सकते थे कि बचपन में बस यही दो ऑर्गन होती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती थी।
जब आपका पेट खाली होता है तो ये ब्रेन तक में मैसेज पहुंचाता है कि आपका पेट खाली हो गया है, और आप पेरेंट्स को बताया कि आपको भूख लगी है, फिर उनका ध्यान खींचने के लिए हम जोर जोर से रोते थे। अगर पेट भरा हुआ होता था तो नींद आती थी और हम हंसी खुशी से रहते थे। हम अपने मम्मी के साथ खेलते हैं या फिर खाने के बाद सो जाते हैं। जब हम बड़े हुए तो खाना पसंद नहीं ना आने पर रोते नहीं थे। जब से हम एडल्ट हुए और हमारा गट खराब हुआ है तो वो हमारे मूड पर असर करता है। अगर पेट खाने से भरा है और सब कुछ सही है तो ये हमारे हालचाल को बेहतर बनाता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम और बैक्टीरिया, हमारे आसपास सभी जगह बैक्टीरिया है। बस मैं आप में आपके सामने बैठे हुए उसके सेंट में खुशबू में भी बैक्टीरिया, उतने की उसके बच्चे छोटे बच्चे गीली नाक में भी बैक्टीरिया है। हमारे अंदर ऊपर सभी जगह बैक्टीरियाज हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बैक्टीरिया हमेशा खराब और ख़तरनाक होते हैं। अनगिनत स्टडी ने साबित किया है कि ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ज़रा भी ख़तरनाक नहीं है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो हेल्प करते हैं हमारे अंदर, खासकर हमारे गट में माइक्रोबायम होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ बैक्टीरिया और दूसरे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। हमारे गट के अंदर इतने सारे माइक्रोबायन होते हैं, ये लगभग 2 किलो वजन जितना होता है। इसमें 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होता है। माइक्रोबायन के अंदर कीटाणु हमारे उस खाने को हजम करता है जो आसानी से हजम नहीं करता, और हमारे गट को ताकत देता है, उससे टॉक्सिन को निकालता है। कुछ बैक्टीरिया से डायरिया और दूसरी बीमारी भी होती है। इस जाने की सबसे मजेदार बात है कि हर इंसान के माइक्रोबायम में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं, खाने में कितना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनका टॉक्सिन लेवल कितना है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर खतरनाक बैक्टीरिया है तो इम्यूनिटी सिस्टम क्यों कुछ नहीं कर रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून सेल से बना होता है जो हमें वायरस या बाहर की कोई चीज़ से बचाता है। बैक्टीरिया हमारे गट के म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर चिपचिपा लिक्विड में होता है। ये वहाँ इसलिए होते हैं कि गट के अंदर के सेल को नुकसान ना पहुँचे। हमारे इम्यून सेल इनका काम है इस हमें बचाना। इन बैक्टीरिया में इससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि अगली बार अगर वही बैक्टीरिया आए तो हमारा इम्यून सेल जल्दी से पहचान ले कि वो अच्छा है या बुरा। अगर वो अच्छा है तो इम्यून सेल उसे बाहर वहाँ रहने की इजाज़त दे देगा। वहाँ अगर वो बुरा निकला तो इम्यून सेल उसे मार डालना चाहेगा। इम्यून सेल को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं गलती से सारे बैक्टीरिया को ना मार दे। क्योंकि जैसा ये कि पहले भी बताया गया कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के सेल इंसानों के सेल की तरह ही दिखते हैं। इसीलिए ह्यूमन सेल को बहुत सावधानी लेनी पड़ती है कौन से सेल पे हमला करना है, नहीं तो वो गलत सेल को ही मार डालेंगे। इसका एक कारण ये होता है कि इम्यून सेल को मैसेज ही गलत पहुंच रहा है, या फिर गट के अंदर के इम्यून सेल को सही ट्रेनिंग नहीं मिली है। हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल को बूट कैप जैसा कुछ होता है ताकि इम्यून सेल ऐसी कोई गलती ना करें। सबसे ज़्यादा इम्यून सेल हमारे गट में होती है। इसको खून में शामिल होने से पहले बूट कैंप से गुजरना पड़ता है। इन इम्यून सेल को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, साथ ही इनको हमारी बॉडी में अलग अलग मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। मान लीजिए कि रास्ते में किसी से आमना सामना हो जाए तो ये अचानक से रुक जाता है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा है या फिर कुछ और। वैसे तो इम्यून सेल इस बात का मुआयना करता है, पर यह अच्छी बात है। पर इसने तो गलती कर दी। वो कैसे? वो याद कीजिए कि इम्यून सेल का वो बैक्टीरिया के साथ दोस्ती करना। आप कह सकते हैं कि इम्यून सेल गट में ट्रेनिंग लेते हैं, वे बैक्टीरिया से पहचान करते हैं ताकि दोबारा वो एक दूसरे से मिले, या तो उसे मार दे या फिर जाने दे। जो इम्यून सेल इससे आमना सामना होने पे हिचकते हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल पर हमला कर सकते हैं, पर ऐसा कोई नहीं चाहता कि उनकी के इसके बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। हर बार एक बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी पर घुसता है तो उसका हमारी इम्यून सिस्टम पर अलग ही तरीका होता है। कुछ इम्यून बैक्टीरिया हमारी इम्यून सिस्टम की को डाइजेस्ट करने की शक्ति को बढ़ा देते हुए इम्यून सेल को हल्का कर देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम शक्ति करना ही छोड़ देता है। जो बैक्टीरिया ये कर पाते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इम्यून सेल उन्हें छोड़ देता है। अच्छे बैक्टीरिया का दूसरा फायदा है कि वो बुरे बैक्टीरिया को भगा देते हैं। जैसे कि पहले पढ़े थे हम लोगों ने, अच्छे बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर एक चिपचिपट लिक्विड में रहते हैं। जब बुरे बैक्टीरिया हमला करते हैं तो उन्हें कोई जगह नहीं मिलती और उनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। तो ये है हमारा गट सिस्टम। तो फाइनली हमने इस बुक समरी में अपने गट या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना। हमने ये जाना कि इसका काम सिर्फ हमें मल करवाना नहीं, इसमें हमारे एनस के आसपास दो गोल मसल भी शामिल है। जब भी बच्चा कुचा खाना इनके रास्ते में आता है तो अंदर वाला स्प्रिंटर ऑटोमेटिकली खुल जाता है, पर बाहर का स्प्रिंटर हमारे ब्रेन के साथ में कम्युनिकेट करता है ये तय करने के लिए गैस छोड़ने के लिए या मल करने के लिए ये वक्त सही है या नहीं। हमने हमारे खाने के सफर के बारे में पढ़ा। इसके लिए हमारे मुँह, इसोफेगस, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज
इंटेस्टाइन के बीच में काफ़ी तालमेल की ज़रूरत पड़ती है हमको। हमारा गट लगातार हमारे ब्रेन के कॉन्टेक्ट में रहता है, ऐसा सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए नहीं होता, गट हमारे ब्रेन को वो सब कुछ बताता है जो हमारे अंदर होता रहता है। अगर हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमारे मूड पर इसका असर पड़ता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन हमने अगर पेट भर अच्छा खाना खाया तो ये हमें पहले से बेहतर महसूस कराएगा। गट के अंदर हमारे इम्यून सेल भी रहते हैं, ये सेल हमें खतरनाक बैक्टीरिया और बाहरी हमलों से बचाते हैं, लेकिन हमारे गट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे गट को साफ रखने और उन खानों को पचाने में हेल्प करते हैं जो हजम नहीं हो पाया। हमारी बॉडी बहुत दिलचस्प है और इसके अंदर के ऑर्गन्स तो और भी दिलचस्प हैं। हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं, पर ये सब ऑर्गन्स हमें जिंदा रखने के लिए दिन रात लगातार काम करते हैं। जी हाँ, हमारा ब्रेन और हार्ट बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन्स है, पर हमारी बॉडी को बनाए रखना और चलाने में हमारे गट की भी ज़रूरत उतनी ही है। छोटे छोटे काम को करने के पीछे भी बहुत सारी मेहनत लगती है, हमें आसानी काम लगता है पर असलियत में इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। खास करके अपने गट को थैंक यू कहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है हमारा अच्छा खाना और उसमें लापरवाही ना बरतना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्या आपके की लर्निंग पॉइंट्स हैं वो भी ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि और भी उससे सीख सके। और अगली समरी बुक कौन सी सब्जेक्ट में सुनना चाहते हैं या कौन सी बुक सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। बहुत ही जल्दी नई बुक समरी के साथ फिर होगा स्वागत। अगर आपको आपकी कोई चॉइस है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई बुक देखना हो सुनना हो तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।